देंगे। सुप्रभात। अच्छा, आज हम प्रश्न विधेय नाम की बात है, इसको पढ़ेंगे। पुस्तक हाथ में लेंगे। पिछले दिन चाणक्य मत नाने नामक पात्र को पढ़ा और अब आज खस्ता पाठा प्रयत्न विधेय। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। रवि श्याम ऐसा अति गंभीरा नदी। श्याम या अत्यंत गहरी नदी है। श्याम के सामने संबोधन लगा है, चिन्ह बना हुआ है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। श्याम ऐसा अति गंभीरा नदी, ऐसा नदी के लिए आया है। नदी स्त्रीलिंगम होता है, इसलिए ऐसा अगर पुल्लिंग होता ऐसा आता, नपुंसक लिंग होता तो ऐसा आता। नदी है उसके लिए ऐसा, ऐसा अति गंभीरा नदी या अत्यंत गहरी नदी है। नद्यां अपारं जलं अस्ति, मम च भाता मोहनं तरति। नद्यां नदी में, सप्तमी नदी का एकवचन का रूप है। नदी नद्यो नद्या नदी नद्यो नदी नद्या नदी दाम नदी भी नद्या नदी दाम नदी दा नदी में, इसका मतलब होता है नदी में अपारम जलम अस्ति, अपार बहुत सा जल है। मम च भ्राता मोहन तरति, और मेरा भाई मोहन तैरता है। नद्या मोहन कथम करती, नदी में मोहन कैसे करता है। लगा है नद्या नदी में मोहन कथम कैसे करता है। तरणम तो अति कठिनम, तरना तो बहुत कठिन है। सह अपारे जले कथम मज्जति, वह अपार जल में डूबता कैसे नहीं। वह अपार जल में डूबते डूबते कैसे नहीं डूबता। रवि तब उत्तम मदति, तुम तो ठीक कहते हो। यह सब तरणम अति कठिनम, इस माने की छोटी थी कि तैरना बहुत कठिन है। कि मोहन तरणस्य प्रयत्नं करोति, अतः सः नाम बच्चति। किंतु मोहन तैरने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, इसलिए वह नहीं डूबता। प्रयत्न से कठिन कार्य भी सरल बनती, प्रयत्न करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। जैसा जैसे प्रश्न महाभारत के पांडवा देव प्राप्त बनता, प्रश्न प्रश्न के द्वारा ही प्रश्न से तृतीया गति का रूप है। प्रश्न प्रश्न से प्रयास से अथवा के द्वारा महाभारत युद्ध में पांडव की अस्माक भारत देश का हमारा भारत है। प्रश्न के द्वारा ही पराधीनता के बंधन से आजाद हुआ। प्रश्न योजना उत्तुंग पर्वते चपि आरोहण कुर्वन्ति, प्रश्न के द्वारा ही लोग ऊंचे पर्वतों में आरोहण करते हैं। प्रश्न परीक्षायाम अधिकान अंकार प्राप्त होते, प्रश्न के द्वारा अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अतः अस्माकी पुनः पुनः प्रयत्न किया, इसलिए हमको बार बार प्रयत्न करना चाहिए। अस्माभि अस्मत् क्या रूप है, अहम आवा वयम, ठीक है, मामा माया आवाभ्य अस्माभि, अस्माभि मैंने हम लोगों के द्वारा माया आवाभ्य अस्माभि, हम सबके द्वारा पुनः पुनः प्रयत्न भैया बार बार प्रयास करना। जनाब के द्वारा लोग क्या करते हैं आज हम पास में।
और इसके बाद करते हैं सब जान के ओके ऊपर देखते हैं नेक्स्ट आदमी प्रश्ने चारे से सिद्धि जनानाम जनानाम चारे से सिद्धि प्रश्ने जनानाम ने लोगों की लोगों के कार्य गुण शब्दों में जनानाम सत्य है बहुवचन का रूप है चारे से सप्तमी बहुवचन का रूप है प्रश्ने तृतीय बहुवचन का रूप है प्रश्न के द्वारा कार्य गुण शब्दों में सिद्धि माने सफलता जनानाम ने लोगों की लोगों की कारण फलता प्रश्न के द्वारा होती है प्रश्न सदबुद्धि में वृद्धि जनाना प्रश्न के द्वारा लोगों की सदबुद्धि में वृद्धि होती है अर्थात प्रश्न के द्वारा लोगों की सदबुद्धि बढ़ती है प्रश्न निर्देश गया त्याग जनाना प्रश्न निर्देश प्रश्न के द्वारा युद्ध में जनाना गया त्याग विजय होती है चश्मन होना जनाना व्यंजन चिन्ही है यहाँ पर ठीक है प्रश्न के द्वारा लोगों की युद्ध में विजय होती है प्रश्नों में क्रिया प्रश्नों में क्रिया प्रश्न करना चाहिए प्रश्न करना चाहिए प्रश्न धीरा समुद्र तरंती प्रश्न ने धीरा गिरी न लग गई प्रश्न ने विद्या हेतु पतंती प्रश्नों में क्रिया प्रश्नों में क्रिया प्रश्न ने धीरा समुद्र तरंती प्रश्न के द्वारा भैंसाली रुचि समुद्र को तैरते हैं पाचन करते हैं प्रश्न ने विराम गिरी नगर है प्रश्न के द्वारा वीर इन पर्वतों को लौट जाते हैं गिरा गिरी 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 दिया धक्त बहुवचन का रूप है प्रश्न के द्वारा लोग पर्वतों को लंघन गिरा जाते हैं पाचन करते हैं प्रश्न ने विद्या ये तो पतन की प्रश्न के द्वारा वैज्ञानिक जानकार आसमान में उड़ते हैं
आवाज सुनाई पड़ रही है तो नमो आए नीलम नमो हाँ अब आप लोग की आवाज आ रही आवाज बंद किए थे बात के जरा भी नहीं करना आपस में शोरगुल नहीं होना चाहिए। अब एक पदें प्रश्न है इनका उत्तर आपसे चाहेंगे ठीक है। हाँ पहला प्रश्न है जहां भवती चलिए कौन बताएंगे जनानाम शब्द बुद्धि वृत्ति केन भवति कोई भी आंसर देंगे उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न निगीरा कानन खेलती किसको लाते जाते हैं बाजर जाते हैं हाँ उत्तर दीजिए विज्ञा भारतीय योग्या उदाहरण दिया है
तक मैंने जनान नाम तारे से शुद्धि भवती आम दिया है ना, सही है। इसी के नीचे अयोग्या योग्या न भवंती, प्रश्न से अयोग्य होते या कहते गलत है, सबने ना लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह क्या है उनका नहीं क्या कलर देखेंगे, प्रश्न भारतीय मुस्कान न अभवन, हाँ से भाते मुक्त नहीं हुए, कैसा कथन है, आम है कि ना ना ना, ठीक है, कहना प्रश्न हुए ना लिखना है, हमें गीला परिस में मुद्दम तरंती आम जब का सुन ले आम आम धैर्य चाली व्यक्ति परिस्थिति के द्वारा एक कथन सही है, इसलिए इसमें आम वैज्ञानिक आम प्रश्न है ना, आकाश में वैज्ञानिक के द्वारा आसमान में उड़ते हैं आम आम एक कथन आम गीला ग्रीन नालंग जयंती प्रश्न के द्वारा वीर पर्वतों को नहीं ना 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 प्रश्न असाध्यम साध्यम होते हो जाता है आम आम और नेक्स्ट शब्द ही था जिसके पाठन पूरे था उचित शब्दों के द्वारा श्लोक में छुटा हुआ है बनना जिसे पहले देखना है बचने में Thank you.
Thank you.
भाई अपने बंदी का भेद देना सभी ने। यस सर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है किताब में देखेंगे सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित पदा नाम विलोम पदा ने लिखा था। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ब क्या है तो इसमें उदाहरण दिया जया का पराजय। इसी भाव से छोड़ा हमें मृदुला ठीक है दाने छोटाल की मात्रा लक्षणा दिशा में दुला हो अयोध्या हमें सुयोग्या हो तद्बुद्धि दुर्बुद्धि की दुर्बुद्धि चलिए हम आपको चलते जाते हैं उदाहरण दिया जना नाम मनुष्य राम हमें है
इत्यनेन उद्यमेन निर्बुद्धयः गामे पर्वताल में विलीन घामे युद्धों का मतलब समरे अंगा प्रयत्न प्रयास प्रयासवाची शब्द हो गए समानार्थी शब्द हो गए लिख लिया सभी ने यस सर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पन्ना पलटी है अन्न पूर्ति करना है अन्वय है नेक्स्ट में किताब में पूर्ति करेंगे चलिए पहला नंबर देखेंगे क्या नंबर में प्रश्न धीरा समुद्रम तरंती कहते चलेंगे प्रश्न धीरा समुद्रम तरंती प्रश्न वीरा गिरी नलंघयन्ति प्रश्न धीरा समुद्रम तरंती प्रश्न वीरा गिरी नलंघयन्ति प्रयत्न विधेय प्रयत्न विधेय जनानां कार्येषु सिद्धिः जनानां कार्येषु सिद्धिः जनानां सदबुद्धि वृद्धि प्रश्न जनानां सदबुद्धि वृद्धि प्रश्न जनानां युद्धे जयः स्यात् प्रयत्न विधेयः प्रयत्न विधेयः कार्य पूरा होता है पठन किया आशा समझा एक्सरसाइज किया और आप लोगों ने भी समझा लेकिन कुछ अनावश्यक आवाजें आती रहती है इसमें पता नहीं टीवी चला रहे हैं घर में क्या आवाज आ रही है कोई आवाज़ चल रहा है घर में ऐसी कुछ आवाजें आ रही है तो बिल्कुल शांत माहौल में आप लोग बैठा करिए आवाज बंद कर देंगे इधर सुनेंगे उधर से कुछ भी नहीं बोल पाएंगे आप लोग अच्छा वचन की आवाज आ रही है टीवी चलिए ऐसी कुछ आवाजें इसमें आती रहे इस तरह घर में शांत माहौल बना के ही आप पढ़ने में बैठ सकें ठीक है धन्यवाद Thank you.